को मिलेगा घुंघरू वाला झाड़ू। और जीतने वाली टीम को मिलेगा सेठ ब्रदर्स की तरफ से कायम चूरन कप। ये और ये सोडी ने बोल डाला और टप्पू ने उठा के मार दिया। और ये अंकल, अरे क्या? हाँ अंकल, बॉल गया दो पैर के बीच में से। आपने बुलाया इसलिए छूट गया। ये बॉल डाल रही है कि भाला फेंक के मार रही है? और मैच अभी एकदम रोमांच भरी स्थिति में आ गया है क्योंकि बैटिंग करने जा रही है माय डियर बेला और गेंद डालने जा रहे हैं माय डियर जीजू। और ये माय डियर जीजा जी ने गेंद डाली और माय डियर बहना ने बल्ला घुमाया और नॉनसेंस क्या कर रही है तू? देखो ये देखो बाबू जी, ऐसे को क्रिकेट खेलते हैं? बैट मुझे लग जाता तो दुकान कौन संभालता? अरे दुकान की चिंता मत करो सेठ जी, मैं हूँ ना। मोटू काका चुप रहो तुम। ए भाई ये स्कोरर, ये बॉल नहीं गिना जाएगा। सॉरी। तो ले अभी हाथ से खेलेगी, बैट चाहिए कि नहीं? सॉरी। ठीक है चल भाई चल वापिस बॉल डाल। चलो कैप्टन अभी शॉट मारो। हाँ बेटा। अब जेठालाल की अगली गेंद और जेठालाल ने गेंद डाली। पीछे जा, थोड़ा पीछे जा। जीतेंगे हम, जीतेंगे। मम्मी मम्मी जैसे ही शॉट, ऐसे ही शॉट मारना मम्मी। आदि शानदार फोर मार दिए माय डियर बेला ने। माय डियर बेला रेडर हो, बहुत बढ़िया खेल रही हो। कीप इट अप। टप्पू बेटा हम जीतेंगे। और ये जेठालाल जी गेंद डालने जा रहे हैं। जेठालाल ने गेंद डाली और माय डियर बेना ने शॉट मारा। जल्दी से एक रन ले लिया। गेंद गई है अब्दुल के पास में। अब्दुल फील्ड करने जा रहे हैं दूसरे दिन के लिए। दौड़ पड़ी है लेकिन अरे जल्दी 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 अब्दुल ने थ्रो कर दिया और ये रन आउट। अरे यार दूसरा रन नहीं चाहिए था अभी। और इसी के साथ बिंदास बेले की टीम का स्कोर हो चुका है 74 विकेट्स और बची है अभी केवल 4 गेंदें। ऐसा थोड़ी नहीं होता है, बहुत ना से हिंसा भी है तो आ गया। और इसी के साथ अब स्ट्राइक पर आ चुके हैं पिंकू। आखिरी बची हुई 4 गेंदों में देखना ये कि वो अपना कितना जलवा दिखा पाते हैं। जल्दी जल्दी जल्दी। और ये जेठालाल ने फेंकी पिंकू की तरफ गेंद और ये वेरी गुड, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करते हुए पिंकू ने लिया है 1 रन। बड़ी मजे की बात तो ये है कि अब बैटिंग का जो छोर है वो संभाल लिया है टप्पू ने। और ये इनिंग की आखिरी गेंद डालने जा रहे हैं माय डियर जीजा जी। और ये माय डियर जीजा जी ने गेंद डाली और ये टप्पू ने उठा लिया है ये गेंद। उसी के साथ टप्पू का स्कोर हो गया 50। जेठा की बैटिंग इनिंग स्टार्ट होने जा रही है और अब देखना ये है कि जबरदस्त जेठा टीम ये स्कोर बना पाती है या नहीं। तो शुरू करते हैं जीपीएल यानी कि गोकुलधाम प्रीमियर लीग का सेकंड इनिंग। चलो 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 जल्दी ऑल द बेस्ट ऑल द बेस्ट ऑल द बेस्ट ऑल द बेस्ट ऑल द बेस्ट। और यहाँ पे
सेकंड इनिंग शुरू होने जा रही है। जबरदस्त जेठा की टीम की ओर से दो ओपनर आ रहे हैं, मोंटी और गोली। और ये पिंकू अपनी पहली गेंद डालने जा रहे हैं। गेंद डालने जा रहे हैं और ये पिंकू ने गेंद डाली और ये गोली ने उठा लिया है और ये 4 रन। शाबाश शाबाश, ये होती है शुरुआत। ओवर। और ये पहले ओवर की समाप्ति के साथ जबरदस्त जेठा की टीम का स्कोर हुआ है 6 रन। और अब गेंद डालने के लिए आ रहे गजराज जी। ये भाई ये जूते फट जाएंगे तो बॉलिंग कैसे करेगा? ओके। और ये गजराज जी ने 100 हाथियों के बल से गेंद डाली और गोली ने 200 हाथी के बल से उठा दिया और ये 4 रन। और ये अब गजराज जी डालने जा रहे हैं अगली गेंद मोंटी की ओर। उन्होंने फेंकी गेंद और ये मोंटी ने मारा शॉट, गेंद हवा में और ये समाप्ति पे जबरदस्त जेठा की टीम का स्कोर हुआ है 12 रन। और अभी गेंद डालने के लिए आ गई है रोशन भाभी और क्रीज पे है सोनी भाई। बड़े दिखा दे अपने लस्सी का कमाल। कीड़े को दिख रहा है बॉल? नया चश्मा कराया लगता है। और ये सोनी भाभी ने गेंद डाली और सोनी जी ने उठा दिया है बल्ला और इसी के साथ रोशन भाभी का बदला पूरा हो चुका है। उनके चेहरे पर खुशी साफ साफ नजर आ रही है। और अब जबरदस्त जेठा की टीम की ओर से बल्लेबाजी करने आ रहे हैं कप्तान जगरलाल माय डियर जिनू। डरना मत, मैं हूँ बिंदास। नाड़ा बांध अपना नाड़ा बांध पहले। और ये गोली, बिंदास हमारी टीम का नाम है, समझे ना? चलो चलो, दुश्मनों के छक्के छुड़ाने हैं। और 3 ओवर की समाप्ति पे जबरदस्त जेठा की टीम का स्कोर हुआ है 16-2। चले भाई, क्या बैटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं? डरना मत, मैं हूँ, चल जा अभी उधर। और यहाँ पे गेंदबाजी करने के लिए आ गई है माय डियर बेला दया। देखो अभी आराम से आ। बहू बॉल वहां डालना है, गरबा खेला बंद करो, बॉलिंग कर बॉलिंग। सॉरी। और ये माय डियर बेला गेंदबाजी करने जा रही है अपने लाक्षणिक मुद्रा में। गरबा खेलते 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 अब उसने गेंद डाली और ये वापस पवेलियन की ओर जा रहे हैं काफी उदास चेहरा लिए और वहां से मुस्कुराती हुई आ रही है मधुबी भाभी।
माइनियर मेला ने दूसरे बॉल पे दूसरी विकेट। व्हाट अ ग्रेट परफॉर्मेंस माइनियर मेला। और इसी के साथ अब माधवी भाभी भी वापस जा रही हैं और वहां से आ रही हैं मनोरमा जी। मोनिका यहाँ तो हैट्रिक का चांस तैयार हो गया है, क्या लगता है माय डियर बेना हैट्रिक लेगी या नहीं लेगी? कमोन कमोन दे भाभी हैट्रिक। दे भाभी अभी दो विकेट लिए आपने, तीसरा विकेट चाहिए, हैट्रिक हैट्रिक चाहिए। देखो मनोरमा भाभी। यस कैप्टन। क्या बोलने आया था भूल गया। हाँ देखो आप हमारे इधर मेहमान है और मेहमान भगवान समान होते हैं और भगवान तो सबकी सुनते हैं। ये सुन रहे कि नहीं मेरा? हेलो हेलो माइक टेस्टिंग 1 2। हेलो सुनाई दे रहा है कैप्टन। ओहो तो क्या हमको इधर ही रहने का है? तो मेरी इधर इज्जत रहे ऐसा खेलना। मेरी नजर निशाने पे ही है कैप्टन। तो दाग दो गोली। माय डियर बेना अपनी तीसरी गेंद डालने जा रही है, हैट्रिक के लिए आगे बढ़ रही है। चौट्रिक कंफर्म, चौट्रिक सोनू स्ट्राइक पे। सोनू बेटा अगर वह गरबा करके बॉल फेंक रही है तो तू ऐसे लावणी करके बैटिंग करना। हाँ ओके कैप्टन। चलो नवरात्रि खत्म हुई और यहाँ पे जबरदस्त जेठा की टीम का स्कोर हुआ है 19-5। और अगली ओवर डालने आ रहे हैं माय डियर भालिया टापू। कम ऑन टापू, कम ऑन कम ऑन। आजा भाई इधर, आजा इधर इधर बस। हाँ मैं इधर से बैटिंग करता हूँ, आजा। ओहो वेरी गुड वेरी गुड। 12 बॉल। वाह क्या बात है टप्पू। वाह माय डियर भांजे ने पूरी मेडल ओवर डाल दी है, पूरा मेडल ओवर। और इसी के साथ स्कोर हुआ है 5 ओवर के बाद 19 रन 5 विकेट के नुकसान पर। यस और अब बॉलिंग करने के लिए आ रहे हैं खुद कप्तान भिड़े। अरे अय्यप्पा, अरे कौन कैसा जलवा दिखाता है। और ये भिड़े ने गेंद डाली, छक्का। ए भिंडी मास्टर एक बार बोला ना नोट आउट है। थैंक यू बाबूजी। ए थैंक यू वाली, ऐसा नहीं है तू मेरा बेटा इसलिए मैंने नोट आउट दिया है, तू नोट आउट था इसलिए मैंने नोट आउट दिया है। कभी कभी बैट से भी खेलो जेठालाल। अभी सेक्स मारा था भूल गया क्या गजनी? और हाँ। अब गेंदबाजी की कमान संभालने के लिए आ रहे हैं पत्रकार पोपटलाल। ये भाई ये पोपटिया। हाँ हाँ कहाँ जा रहा है, खेलना नहीं है? रनअप रनअप चाचा जी रनअप। एक मिनट रुक जा भाई, तेरा छाता गिर गया। हाँ सॉरी सॉरी। ना इधर ला छाता, इधर ला। क्यों आपको छाता क्यों चाहिए, बारिश तो नहीं आ रही है। अरे तो फिर तुझे क्यों चाहिए छाता? ये छाता मेरे लिए बहुत लकी है, ये छाता जब भी रखता हूँ ना अपने पास तो 3-4 विकेट धड़ाधड़ उड़ जाते हैं।
नहीं 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 वो कुछ भी हो लेकिन तू छाता लेके बॉलिंग नहीं कर सकता। बराबर है यार, छाता भाई अलाउड ही नहीं है। अरे छाता लेके क्यों बॉलिंग नहीं कर सकता यार? भिंडली मास्टर समझाना इस डिब्बे को। अरे ए पोपटलाल भाई, ए तू विकेट लेना, तू छाता मत ले। और ये नाचना जरूरी है क्या? दे 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 दे। ऐसा नहीं खेल सकते भाई, लाना। पोपटलाल सोनू फोर मार रही है तुम्हें, क्या कर रहे हो तुम? भैया मैंने पहले ही बोला था कि छाता रहने दे मेरे हाथ में। छाता लकी है, एक भी फोर नहीं जाता छाता होता तो। अबू क्या रन आउट करने का? अंदर है भाई, पैर अंदर है। मैंने कुछ बोला, अपील किया, दिख रहा है मुझे? बोल रहा हूँ भाई, तुम्हारा भरोसा नहीं कुछ। हेलो बबट। और ये 7 ओवर हो चुके हैं और जबरदस्त जेठा की टीम का स्कोर हुआ है 44-5। और अब अगली ओवर डालने के लिए आ रहे हैं गोगी। और गोगी चकदे फटे। अरे चलना है गदर का सनी देओल भाई, बॉल डालने। गोगी ने अपनी पहली गेंद डाली और ये सोनू ने शॉट खेल दिया। भाग भाग सोनू भाग। अंदर ने उसको रन आउट कर दिया। और यहाँ पे छठा विकेट गिर गया है जबरदस्त जेठा की टीम का। और इसी के साथ उनका स्कोर हुआ है 44 रन 6 विकेट के नुकसान पर। और ये सोनू वापस पवेलियन की ओर जाती हुई और वहां से आ रहे हैं नट्टू काका। चलो कमान 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 पेगा चलो। अभी देखना सब अनुभव। जो बोले सॉरी सस्त्रियता। गोगी ने गेंद डाली और ये जेठालाल ने शॉट लगा दिया है। जेठालाल ने तेजी से पहला रन समाप्त किया, दूसरा रन देने जा रहे हैं। और ये मैं क्या देख रहा हूँ, नट्टू काका गबड़ पड़े हैं और ये रन आउट हो गए। और बैटिंग करने के लिए आ रहे हैं अब्दुल। और अभी बॉलिंग के लिए आ गई है अंजलि भाभी। अंजलि आंटी ऑल द बेस्ट। बॉलिंग के लिए उतरे अय्यर। कितने चौके, कितने छक्के, रन आउट और तो और हैट्रिक भी।
अरे किसी इंटरनेशनल क्रिकेट में जो भी होता है वो गोकुलधाम सोसाइटी में भी हो सकता है, और सब हुआ, और भी बहुत सारी चीजें होंगी, क्योंकि मैच इस रोमांचक स्थिति में है कि अभी ऊंट किस करवट बैठेगा किसी को पता नहीं, कौन हारेगा कौन जीतेगा कोई नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता कि सोसाइटी का कंपाउंड झाड़ू हाथ में लेके कौन साफ करेगा। मैच बहुत रोमांचक स्थिति में है, देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा में GPL यानी कि गोकुलधाम प्रीमियर लीग मेरे साथ। हेलो दोस्तों, अगर आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट्स सबसे पहले चाहिए तो जाइए हमारे YouTube चैनल पर और सब्सक्राइब कीजिए।